अधिकारी ने विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति पर जताया असंतोष। एपीओ ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नोटिस देकर कार्रवाई करने को दिया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन जल्द ही होगा सोलर पावर से लैस, कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई फसलवार वित्तमान निर्धारक की बैठक, खेती में लागत की बढ़ोतरी को देखते हुए 5% बढ़ोतरी का लिया गया निर्णय। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा बनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती समारोह, मेधावी बच्चों को किया गया सम्मानित। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के विकास नगर में आर्थिक तंगी की मार से जूझ रहे युवक ने की खुदकुशी, मृतक की मां ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वेतन वृद्धि सहित अन्य समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने लंच के दौरान मंडल कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जनता दर्शन में जिलाधिकारी कर रहे समस्याओं का समाधान, फरियादियों की लग रही है कतार। करनी सेना ने भी मनाई महाराणा प्रताप की जयंती, कहा वीरों की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना यही है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। निखिल पांडे बने पूर्वोत्तर रेलवे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, किया कार्यभार ग्रहण। स्वच्छता वातावरण प्रोत्साहित समिति के सदस्यों ने लोकगीत के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति किया जागरूक। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री प्रताप शुक्ला गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 मई संस्कार भारती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अग्रवाल महिला समिति द्वारा आयोजित हुआ बॉलीवुड संध्या, महिलाओं ने की मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति।